मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक्मी घाट दरभंगा। लांचल में दांत मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके से, क्योंकि यह शरीर के सबसे नाजुक अंग है और इसका उपचार भी विशेषज्ञ से होना चाहिए। 3 दशक से भी अधिक समय से आपकी सेवा में तत्पर बिहार का गौरव, हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक दांत मुंह और जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा डीएम ने हायाघाट के चंदन पट्टी से प्रारंभ किया टीकाकरण की योजना। दरभंगा डीएम ने की आंतरिक संसाधन एवं आरटीपीसीआर की समीक्षा बैठक। नगर निगम का 107 करोड़ 55 लाख का बजट पारित स्थायी समिति में। दरभंगा नगर निगम मेयर ने कहा कि इस बार ज्यादा फोकस हुआ साफ सफाई एवं पुरानी गाड़ियों की मरम्मति। दरभंगा 13 हत्याकांड के अनभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिजनों में आक्रोश। दरभंगा में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हेतु 10 बेंच का हुआ गठन। समाहरणालय अवस्थित भीमराव अम्बेडकर सभागार में राजस्व की समीक्षा बैठक डीएम की अध्यक्षता में। सदर थाना पुलिस ने पैनी नजर रख रखी है शराबी और शराब तस्करों पर। सदर थाना हैदराबाद से दरभंगा आ रहा युवक लापता ट्रेन। सदर प्रखंड मुख्यालय में जाती आवासीय आय प्रमाण पत्र नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी। सदर दरभंगा में कोरोना संक्रमण के बाद बच्चों की 12 प्रकार की बीमारियों के टीकाकरण एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को एक बार फिर से शुरुआत किया है। इस मौके पर उन्होंने हायाघाट के चंदन पट्टी में विधिवत शुभारंभ करते हुए सभी को कहा कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक चलाया जाए। इस मौके पर सिविल सर्जन अनिल कुमार सिन्हा मौजूद थे। उन्होंने सभी प्रखंडों में इसे व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार के साथ टीकाकरण अभियान को एक बार फिर से चलाने की जरूरत पर बल दिया। दरभंगा डीएम ने कहा कि सभी 12 प्रकार की बीमारियों के लिए बच्चों में टीकाकरण हो, गर्भवती महिला के पहले और गर्भवती के बाद उन लोगों की दवा की व्यवस्था की जाए। दरभंगा डीएम ने आज सभी सीओ के साथ आंतरिक संसाधन एवं आरटीपीसीआर की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। खासकर दाखिल खारिज के मामले में सबसे खराब स्थिति कुशेश्वर स्थान बहादुरपुर दरभंगा रहने के कारण फटकार लगाई गई। उन्होंने सीओ को 1 सप्ताह का समय दिया, 1 सप्ताह के अंदर दाखिल खारिज का कार्य अपडेट करें। उन्होंने कहा कि 62 दिनों के लंबित रहने के कारण बहादुरपुर के सीओ को कहा गया कि 1 सप्ताह के अंदर कार्य करें। गौरतलब है कि कुशेश्वर स्थान की स्थिति सबसे ज्यादा खराब पाई गई है। दरभंगा डीएम ने सभी सीओ को आदेश दिया है कि वो लक्ष्य की प्राप्ति करें, दाखिल खारिज के मामले लंबित ना रहे। इसके लिए आरटीपीसीआर काउंटर पर सघन जांच करें ताकि कार्य संपादित हो सके। दरभंगा नगर निगम का आज नगर आयुक्त के समक्ष मेयर एवं 7 सदस्य कमेटी ने 22-23 का बजट पेश कर दिया है। इस मौके पर दरभंगा नगर आयुक्त ने कहा कि ये जनता के लिए उपयोगी है, जनता के हित में है और पिछले बजट से कुछ नया नहीं है। दरभंगा नगर निगम का आज बजट सशक्त स्थायी समिति में रखा गया था। सशक्त स्थायी समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस बजट को पारित किया गया है। अगले बोर्ड की बैठक में रखने का सुझाव दिया गया है। बोर्ड में पिछले साल की तरह इस बार भी सभी प्रधान को रखा गया है, जो कि यहाँ के आम जनता के लिए अच्छा हो, फायदेमंद हो। आपने क्या विश्लेषण किया है इसका? अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है, कोई नया टैक्स नहीं है, सब चीज़ पुराने हैं। दरभंगा नगर निगम का आज बजट पेश हुआ। अस्थायी समिति के सदस्य के साथ बैठकर मेयर मुन्नी देवी ने इस पर विचार करते हुए कहा कि इस बार जो पुरानी खराब गाड़ियां हैं उसको ठीक कराया जाएगा, नई गाड़ियां खरीदी जाएगी, साफ सफाई को अधिक फोकस किया गया है। इन्होंने ये भी कहा कि इस बार 107
55 करोड़ 55 लाख के बजट में आम आदमी से टैक्स नहीं लिया जाएगा, दुकानदारों से टैक्स लिया जाएगा। नहीं है, जो हमारे समय में जो गाड़ी खराब है उनके लिए पैसा मिला है, उनको गाड़ी बनाने के लिए पेट्रोल का, अभी जो पेट्रोल दे रहे हैं उनको तो भुगतान करना ही होगा, नहीं भुगतान करेंगे तो पेट्रोल रोक देंगे, इसलिए उनको दे रहे हैं। और कुछ गाड़ी खराब है जिसको नगर आयुक्त हैं मिल करके उनको दे करके गाड़ी बनवा के मंगवा रहे हैं और सब ठीक ठाक रहेगा। दरभंगा के जीएम रोड अवस्थित 13 हत्याकांड में अभी तक अन्य 30 अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि अभी तक दरभंगा एसएसपी के द्वारा पुलिस की तैनाती पीड़ित के घर पर कर दी गई है ताकि कोई आगे अनहोनी घटना ना घटे। गौरतलब है कि पिछले दिनों जीएम रोड में कुछ भूमाफियाओं के द्वारा पीड़ित परिवार के भाई संजय कुमार झा और पिंकी कुमारी के साथ उनके पेट में पल रहे बच्चे की भी जलकर मौत हो गई थी। इसके बाद दरभंगा पुलिस ने आनंद थाना में शिव कुमार झा मुख्य आरोपी के साथ 9 अन्य को गिरफ्तार किया था। कुल 40 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, 10 गिरफ्तार हुए, 30 अभी तक फरार हैं। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं होने पर लोगों में शंका है। थाना प्रभारी मोहम्मद सरवर आलम ने असामाजिक तत्व शरारती तत्वों व पर पैनी नजर रखने को कहा है, साथ ही शराब पीकर हंगामा करने वालों और शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया है। इनके साथ साथ सड़क पर हुड़दंग करने वालों को भी गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि शराबियों और शराब तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सदर पुलिस ने सभी संवेदनशील स्थानों और चौक चौराहों का दौरा किया। हैदराबाद से दरभंगा लौट रहा युवक अचानक लापता हो गया, जिसको लेकर परिजनों ने दरभंगा स्टेशन के जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जीआरपी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है। वो सिकंदराबाद ट्रेन से आ रही थे, सिकंदराबाद से दरभंगा जिला के लिए, वो कहीं रांची या कहीं आसपास से लापता हो गए हैं। उनके साथ ही थे सीतामढ़ी जिले के, वही लोग के साथ था। उनका बैग में मोबाइल वोबाइल सब है तो उनका साथ ही पहुँचा दिए घर तक। कहाँ पर उन लोग को नींद आ गया था, वो सो गए, वो कहाँ पे उतरे उनको पता नहीं चला। सदर प्रखंड मुख्यालय में जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र नहीं बनने से लोग परेशान है। इस बाबत शिव कुमार शर्मा वासुदेवपुर पंचायत समिति प्रतिनिधि ने कहा कि अगर 23 पंचायत के लोगों को जल्द से जल्द जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र नहीं मिला तो वे लोग धरना। दिशा निर्देश है कि ऑनलाइन लोग हर जगह से करता है जातीय आवासीय आय, लेकिन कठिनाई यहाँ कर्मचारी में है और उस कर्मचारी से भी जो सीनियर पदाधिकारी हमारे प्रखंड में आए हैं, हम मोटा मोटी उनका भी दोष नहीं हम समझेंगे क्योंकि वो भी टेक्निकल में फंसे हुए हैं।